ਸੀਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਮਾਈਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਓ ਮੈਂ ਉਧਰ ਆ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜੂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਲੰਘ ਜਾਓ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੋ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਧਿਆਂ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪੰਗਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ सचे पातशाह दा ओट आसरा लैके धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के चरणा च नतमस्तक होके धन धन बाबा बुढ़ा जी के चरण परस के गुरु साहब का अगे अरदास बेनती करके गुरु साहब का फरमान सुन के हुक्मनामा सुन के गुरु दिया बख्शिशा गुरु दिया आशीषा लैके गुरु के चरण धूड़ परस के गुरु घर का कूकर दास बिक्रम सिंह मजीठिया अज गुरु की संगत नाल जे संगत ने हमेशा ही मजीठे दे मेरे बुजुर्गों ने मेरिया मावां ने भैणा ने नौजवान वीरां ने बजुर्गों ने जद जद मेरे ते औखा वेला आया चुनौती आई है जालम सरकारां ने मेरे विरोधियों ने मेरे ते साजिशां घटियां ने इन्हां लोकां ने ठोक के मेरा साथ दिता। पिछली वारी भी चाहे वह 2007 की इलैक्शन सी 2009 की नवजोत सिंह सिद्धू की पार्लीमेंट सी 2012 च दास की इलैक्शन सी चाहे नवजोत सिंह सिद्धू पार्लीमेंट की इलैक्शन सी 2007 वाली जिहड़ी उस वेले भी क्योंकि वह 22 इलैक्शन लड़े सी नवजोत सिंह सिद्धू और मैं इलैक्शन मेन लड़िया सा 14 की जेटली साहब की इलैक्शन सी 17 की इलैक्शन सी जदों हर तरीके की साजिश हुई है जां 19 की सी जदों केजरीवाल साहब इत्थे कल्ले कल्ले पिंड फिर के गए इन्हां लोकां ने मेरे बजुर्गों ने मेरिया भावां ने भैणां ने मावां ने नौजवानों ने उन्हां दी जमानत जब्त कराई और राहुल गांधी जी का हैलीकाप्टर माझे च कल्ला मजीठे उतरिया सी आके और उस वेले भी उन्हां दे कैंडीडेट नूं 23,000 वोट नाल पछाड़िया। और मैं तुहानूं होर दस दिया ये गल तुसीं मजाक च हस पैंदे हो जद मैं गल करदा मगर असलीयत दी गल है ना मेरे परिवार चो कोई मेरी इत्थे सपोर्ट नहीं लिया मेरी घर की भी मैनू वोट नहीं पाउण आउंदी मगर इन्हां सारिया ने मेरे बुजुर्गों का मेरे भरा का मेरी भैन का रोल अदा करदिया होया हमेशा मैनू वड्डी जित इत्थों दित्ती है। इसलिए मैं इन्हां नू यही बेनती करदा कि ऐतकी मेरी लड़ाई थोड़ी वक्री है लड़ाई वक्री इस करके भी बन गई है क्योंकि एक तो कोविड प्रोटोकॉल करके प्रचार से बड़िया पाबंदियां ने पहला जिहे जिहा प्रचार हुंदा सी वो प्रचार है नहीं पहला कॉमन प्लेसिस ते प्रचार कर सकते सी वो कर नहीं सकते इकट्ठ कर नहीं सकते बड़िया पाबंदियां ने हुण तां मोबाइल का ही प्रचार है। दास हमेशा ही आप दे लोकां नाल विचरदा रहा मैं विचरदा रहना इन्हां नूं एक बेनती है कि साजिशां मेरे खिलाफ बड़ियां जिवें टाडा का केस हुंदा ना टाडा होगी UAPA युआपा हो गया मकोका हो गया जिन्हां कई तारावां इह जिहियां हुंदियां स्पैशल तारावां जे इस बंदे ते लग जाण फिर उहदी जमानत नहीं हो सकदी। रब मेहर करे संगतां दियां जिवें अरदासां सुणियां जाण ते कोई कृपा हो जांदियां नहीं तां टैक्नीकल इशूज ने उसे तरह मेरे खिलाफ भी कांग्रेस ने शरारत की कि इलैक्शन ना लड़ सके। वेखो हाई कोर्ट च केस चलिया अंतरिम जमानत हुई जदों केस डिस्कस होया मैरिट ते घट डिस्कस होया मैरिट नहीं डिस्कस हुई उत्थे एक 37 धारा है स्पैशल धारा जिदे बारे सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी च टिप्पणी दिती है कि इस प्री एंटीसपेटरी बेल नहीं दिती जा सकती उस टैक्निकल इशू करके दास की बेल डिनाई हुई मगर कांग्रेस की साजिश वेखो जदों पी चिदंबरम साहब कांग्रेस उत्थे सरकार नू रिप्रेजेंट कर रहे सी एडवोकेट जनरल उत्थे सी साडे वकील साहब RS चीमा साहब ने हाई कोर्ट के जज साहब अगे अगे गल रखी कि पटिशनर नू द
दैट इज मैनू बिक्रम सिंह मजीठिया हफ्ता दिता जाए या घट्टो घट तीन दिन दिते जान। 24 तरीक नूं इह गल रखी है कि यह आपके कागज दाखिल कर सकन और सुप्रीम कोर्ट वल मूह कर सकन, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस धारा उत्ते आपकी टिप्पणी दिती हुई है। जज साहिबा ने कहा आई विल कंसिडर इट, और मैं सरेंडर करने वास्ते मोहाली कोर्ट च बैठा सा, सीसीटीवी फुटेज कटा लो, घंटा उत्थे बैठा रहा। मेरे वकीलों ने सलाह की कि जे जज साहिबा कह दी नॉट एक्सैप्टिड तो फिर सरेंडर रस्ता सी। जब उन्होंने कहता आई विल कंसिडर इट, थोड़ा अपना फर्ज बनता कि असी रिटन ऑर्डर उड़ीकी। असी रिटन ऑर्डर उड़ीकन लगे उदों ही पता लग्या कि जाके मेरे घर रेड शुरू करती है। हुण रेड मैं पुछना चाहुंदा BOI दे हैड नूं चंद्रशेखर साहब नूं कि किहदे इशारे ते हो रही है, जिन्हां ने थोड़ी बदली कराई है, ट्रांसफर दे ऑर्डर कराए। कौन ठोको ताली चाहुंदा मैं इलैक्शन ना लड़ा? कि चन्नी साहब चाहुंदे कि मैं चन्नी हनी मनी की गल ना करा तां इलैक्शन ना लड़ा, इहनूं अंदर दे दिओ? कि रंधावा चाहुंदा कि मैं इलैक्शन ना लड़ा, उहदे इशारे ते रेड हुई है? जद सारी ओपन कोर्ट च ऑनलाइन जज साहिबा ने कहता कि आई विल कंसिडर इट, रिटन ऑर्डर आया कोई नहीं 25 तरीक तक, 24 तरीक नूं मेरे घर रेड करन दी की लोड़ पै गई सी? मेरे वाइफ नूं, मेरे निक्के निक्के न्याणियां नूं, मेरे मदर नूं, माता जी नूं जिहड़े 80 साल दे, उन्हां नूं जाके तंग परेशान ह्यूमिलेट क्यों किया गया? सिर्फ इसलिए कि ये कागज ना भर सके, इलैक्शन ना लड़ सके। कल असी इलैक्शन कमीशन नूं भी जाके शिकायत दित्ती है कि जेड़े अफसर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने तो रोकने की कोशिश कर रहे हैं, हाई कोर्ट की आर्डर दे कंटेंप्ट कर रहे हैं, उलंघना कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन की उन्होंने खिलाफ कोई एक्शन लूगा कि मौन व्रत से रहूगा? और मैं आस करता, उम्मीद करता राजू साहब को, इलेक्शन कमीशन को कि एक्शन होगा, क्योंकि कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट हुई है। और सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि 25 नूं मैं कागज दाखिल करने से, इन्हों हो गया कि ये तो इनू पहला ही फड़ लो, अंदर दे दियो, तो ना इलेक्शन लड़न जोगा रवे, ना ये कागज भरन जोगा रवे। ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਉਹਦਾ ਕਕਰਾ ਰਵੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਭੈਣ ਸੁਮਨਪੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਮੀਡੀਆ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ 15 ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ, ਪਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਹੱਲੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਈਸਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰੂੰ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਯਾਰ ਗਗਨ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਸੁਮਿਤ ਵਾਲੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹਰੇਕ ਨਾਲ ਹੀ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਾ ਬਣ ਸਕਿਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਹੀ ਕੰਮ ਇਹ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਇੱਕ ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਉਹਦਾ ਖਰਚ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਦੋ ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ 20-22 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਦੇ ਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ? ਔਰ ਹਾਲ ਤਾਂ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਘਰੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਗੇਟ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੰਦੇ ਅੰਦਰ, ਚਾਹ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ XMLA ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਬਿਕਰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਚੰਮ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮੇਰੇ ਮੇ ਤੇਰਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਜੇ ਆਨਰੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਸੀ ਸਾਡੇ, ਇਹ ਬੜੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਸਾਜਿਸ਼ ਵੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲੜ ਸਕੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁਕਲ ਰੋਹਤਗੀ ਜੀ, ਉਹ ਆਪ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਅਰਜੈਂਸੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਜੇ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਨੋਟਿਸ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਮਗਰ ਚਿਦੰਬਰਮ ਸਾਹਿਬ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਔਰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੇਸ ਦੀ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਕਾਲੇ ਤਰਲੋਂ ਮੱਛੀ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋ? ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲੜ ਸਕੇ। ਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈ?
कि यह डिक्टेटरशिप नहीं मैं लगता जिहड़ा इमरान खान नूं पा पा जप्पियां किते पाकिस्तान दा सिर होया होया कि विरोधियों नूं इलैक्शन नहीं लड़न देनी जिहड़े सवाल पुछणगे। मगर गुरु साहब की अपार बख्शिश कृपा हुई है और मैं अज भी चाहे मेरी 31 तरीक नूं वड्डा फैसला फैसला जो आवे सिर मत्थे प्रवान है वड्डा फैसला लोकां दी कचहरी ते रब दी कचहरी च होना। हुण मैं आप दे कागज़ दाखिल करके अज समुची मजीठे दी संगत नूं और इस तों बाद अमृतसर ईस्ट जाके मैं उत्थे बेनती करनी है कि तुसी फैसला करना कि जिन्हां लोकां ने धोखा ते फ्रॉड दे सिवाए कुछ नहीं किया कहदा पंजाब मॉडल है थोड़ा। नवजोत सिंह असी तां इक सरकार हंडाई है, यह तो चार दियां सरकारां हंडाउण डिया। जेड़ा MP भी रह गया, चीफ पार्लीमेंट्री सैकटरी भी रह गया, मिनिस्टर भी रह गया, 18 साल पिछले सरकारां च रहे हैं। वट इज इस अचीवमेंट? सिर्फ ते सिर्फ भगौड़ा मॉडल, धोखा मॉडल, गली बाती मॉडल, फेल मॉडल, ये मॉडल है कला होर कुछ नहीं है। ये बारे मगर मैं खुल के उत्थे गल करूंगा क्योंकि इत्थे ठोकर थाली दा मतलब चोन प्रचार दी कमान कौन संभालन जा रहा है जी? हलका मजीठा चोन प्रचार उम्मीदवार गुनीत कौर होंगे, तुहाडे धर्मपत्नी होंगे जी? भरावा खड़ जा यार, काला ना ना पै, काले पैण वाला काम ओ नहीं पैना चाहिए। असी नहीं कदे पए, एडिया पंगे पए होए, भीड़ा पईआं एदा मौज च फिरते हैं। चढ़ती कला च रही जा, सिंघा दा काम है गजना वजना, चढ़ती कला च रहना। जी मैं दसदा जी प्रचार कौन संभालूगा, प्रचार सामभ के आ 2 लाख दे इथों दे वोटर, प्रचार पिंड पिंड पैरा ए लाउणगे, फैसला ए करणगे। MLA भी दास इन्हां दा, ए मेरे भरा, ए मेरे भैण, ए मेरे अख दियां, ए मेरे तुसी समझो ए चानन मनारा ने, मेरा सब कुछ ही ने, अख दे तारे ने। इसलिए इन्हां ने प्रचार करना, इन्हां ने पैरा लाउणा, सब कुछ करना। खुला छड़ता ते दास भी 2-3 अपलियां टपलियां छड़ दू, नहीं खुला छड़िया ते ये कर देणगे बाकी मजीठिया बण के। आप आम आदमी पार्टी को बोलो मैच का फिक्र ना करे, रिजल्ट भी लोग देंगे और आम आदमी पार्टी की कांग्रेस का काम सफाया होगा। मैं और दस दिया मजीठे वाले नूं, देखो आप ते कांग्रेस की किन्नी गठजोड़ है। मेरे खिलाफ 2 भरा खलोते हैं, दोवें भरा ने रज के कांग्रेस चे चमदियां चलाईया, लुटिया भी कुटिया भी, मतलब हर बदली का पैसा लेंदे आ, हर दफ्तर तो पैसे खांदे सी। और झगड़ा इन्हां दा इस गल दा होया कि 70-30 दी रेशो की दी है। वह कहिंदा मैं वड्डा, मेरा हिस्सा वध बणदा, वह छोटा कहिंदा ना तू कौन कम तां असीं करदे आ। रौला उन्हां दा इह है। आ लोकां नूं पुछ लिओ कि हर दफ्तर नूं हर थाने च सिर्फ ते सिर्फ पैसे दा बोलबाला लिया। अज कांग्रेस मैं तां पहला कहिंदा सी आप इज बी टीम ऑफ कांग्रेस, और मजीठे हलके च वेखण नूं फिर रिहा 40 साल दा कांग्रेसी उम्मीदवार आप दा कैंडीडेट है ते उहदा भरा जिन्हां ने रज के पिछले 5 साल मजीठे नूं पछाड़िया। डिवेलपमेंट 0, ओनली करप्शन। अज उह रल के इस लई लोक फैसला करी बैठे। आपां तां इहनां दे चरणां च हथ जोड़ के बेनती है कि भरा सानूं तां मंगण दी जाच भी नहीं, इहनां ने आपे फुल कमाल दिया गल्लां ने। भरावा मैं थानू गल दसा, जेडिया तारावां मेरे ते लातियां ना बनदियां ही नहीं। और दूजी गल, जे धारा किसी ते बनती है ते टेप आई है सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय दी कि वह PO नाल बैठे है, PO नाल इलीगल तरीके नाल लोकां नूं फड़न दी गल कर रहा है, फेक
रिकवरी की गल कर रहा, इलीगल डिटेंशन की गल कर रहा, एक घर किराए से लैके कह रहा किराया मैं दूंगा, बनदिया तो धारावं उत्ते ने कि जेड़ा हाई कोर्ट का पीए हो वे तेरे को करता सी और तू ओनू बेटा बेटा करके ओदे आखे पुलिस वाले की बदली करी जा रहे। बीबी सिद्धू नू कहे तू पहली मेरी सत्कारयोग मेरी भैन, मैनू इन्होंने मैनू कहा सी तू मेरा छोटा वीर, हुण छोटे वीर का ही ध्यान करी, जेड़ा किसे दा नहीं होया उन्हें तेरा भी नहीं होना।